नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगन टीवी और मैं हूं आपके साथ तुषार। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 के पहले मैच में कल रचिन रविंद्र ने जो किया वह न्यूजीलैंड के इतिहास में आज तक कोई बल्लेबाज नहीं कर पाया। महज 23 साल की उम्र में इस युवा बल्लेबाज ने वर्ल्ड कप की शुरुआत में ही इंग्लैंड की बॉलिंग लाइनअप को गहरे घाव दे दिए। इसके साथ ही न्यूजीलैंड की 9 विकेट की विस्फोटक जीत ने साबित कर दिया कि आईसीसी टूर्नामेंट में विरोधी टीम को उन्हें कमतर आंकने की गलती नहीं करनी चाहिए। कीवी टीम के लिए इस मैच में ओपनर डेवोन कॉनवे और ऑलराउंडर रचिन रविंद्र का तूफान देखने को मिला। हालांकि सोशल मीडिया पर लोग कॉनवे की जगह रचिन के बारे में बात कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि भारतीय मूल के इस कीवी बल्लेबाज की कहानी क्या है। दरअसल रचिन का परिवार बेंगलुरु से ताल्लुक रखता है। रचिन के पिता 90 के दशक में आर्थिक कारणों के चलते बेंगलुरु से न्यूजीलैंड चले गए थे। वह एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, जहां न्यूजीलैंड में रहते हुए 18 नवंबर 1999 को वॉशिंगटन में रचिन का जन्म हुआ। उनके पिता रवि कृष्ण मूर्ति क्रिकेट के बहुत बड़े प्रशंसक रहे। यही वजह है कि रचिन का नाम क्रिकेट से भी जुड़ गया। रचिन नाम के पीछे एक दिलचस्प कहानी भी है। दरअसल उनके पिता को सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ का खेल बहुत पसंद था। ऐसे में जब उन्हें बेटा हुआ तो उन्होंने उसका नाम सचिन और द्रविड़ के नाम पर रखने का फैसला किया। ऐसे में उन्होंने राहुल से र और सचिन से चिन उठा लिया और फिर उनका नाम रख दिया रचिन। आपको बता दें कि रचिन ने बहुत ही कम उम्र में न्यूजीलैंड के लिए अपनी प्रतिभा दिखानी शुरू कर दी थी। ऐसे में उन्हें अंडर 19 में न्यूजीलैंड के लिए क्रिकेट खेलने का मौका मिला। इसके बाद उन्होंने घरेलू क्रिकेट में भी अच्छा प्रदर्शन किया और इनाम के तौर पर उन्हें राष्ट्रीय टीम में शामिल किया गया। वहीं इसका नतीजा अब सबके सामने है कि रचिन ने वर्ल्ड कप के अपने डेब्यू मैच में ही शतक जड़कर वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड का गौरव छीन लिया है। इसके साथ ही उनकी इस पारी ने पिछले वर्ल्ड कप फाइनल में हार का बदला भी ले लिया है। न्यूजीलैंड ने पहले मैच में इंग्लैंड को 9 विकेट से हरा दिया। न्यूजीलैंड की जीत के हीरो रहे 23 साल के रचिन रविंद्र ही रहे, जिन्होंने महज 96 गेंदों में 123 रनों की नाबाद पारी खेली। इस दौरान उन्हें डेवोन कॉनवे का साथ मिला, जिन्होंने नाबाद 152 रन की पारी खेली। इस दमदार जीत के लिए रचिन रविंद्र को मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। भारतीय मूल के इस खिलाड़ी ने पाकिस्तान के खिलाफ वार्म अप मैच में भी बेहतरीन पारी खेली थी, जहां न्यूजीलैंड के लिए ओपनिंग करते हुए 97 रन ठोक डाले थे। ऐसे में उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ पहले मैच में मौका मिला, जिसका उन्होंने भरपूर फायदा उठाया। कप्तान केन विलियमसन की गैर मौजूदगी में रचिन का ये प्रदर्शन बेहद ही सराहनीय है। उन्होंने जिस मोड में बल्लेबाजी की उसने इंग्लैंड के 283 रनों के लक्ष्य को बौना साबित कर दिया। इस शतक के साथ ही रचिन वर्ल्ड कप डेब्यू में न्यूजीलैंड के लिए सबसे कम उम्र में शतक ठोकने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। वहीं वो ऐसा कारनामा करने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज हैं। इस सूची में पहला नाम टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और धाकड़ बल्लेबाज विराट कोहली का है, जिन्होंने साल 2011 में अपने वर्ल्ड कप डेब्यू में बांग्लादेश के खिलाफ शतक लगाया था। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें और वर्ल्ड कप के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।